अभिनेत्री कृति सेती को लेकर के जो मलयालम इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली है, उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने फिल्म के अनाउंसमेंट भी की है। फिल्म वो टोमिनो थॉमस उनके को स्टार होंगे। इस मूवी से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एम एस धोनी को लेकर के, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की है जिसका नाम है धोनी इंटरटेनमेंट। इसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु और मलयालम की फिल्में प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है राहुल कोहली को लेकर के, और यह वही चाइल्ड एक्टर है जिसका फिल्म चेला शो ऑस्कर के लिए भेजा गया है। और अपडेट आ रही है कि इसका 10 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया की वजह से निर्धन हो गया है। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है हर हर महादेव मूवी को लेकर के, जिसका ट्रेलर आउट हो गया है। फिल्म में सुबोध भावे के साथ शरद केलकर मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी में 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु को लेकर के, जिसका ट्रेलर आउट हो गया है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस मुख्य भूमिका में होगी। इसके रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म दिवाली के अवसर पर 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है शिखर धवन को लेकर के, जिसका एक पिक्चर वायरल हो रहा है जिसमें वो हुमा कुरैशी के साथ दिख रहे हैं। दरअसल हुमा कुरैशी की अपकमिंग फिल्म डबल एक्सल में शिखर धवन कैमियो करते दिखेंगे, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ऐश्वर्या लक्ष्मी की अपकमिंग फिल्म अम्मू को लेकर के, जिसका ट्रेलर आउट हो गया है। फिल्म 19 अक्टूबर को अमेजन प्राइम पर प्रीमियर होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जहां शिवा कार्तिकेय की अपकमिंग फिल्म प्रिंस का ट्रेलर आउट हो गया है। फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म डॉक्टर जी को लेकर के, जिसे ए सर्टिफिकेट दिया गया है। वहीं फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 46 मिनट और 16 सेकेंड होगा। फिल्म 14 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है परिणीति चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म कोड नेम तिरंगा को लेकर के, जिसे यूएस सर्टिफिकेट दिया गया है। वहीं इसकी रन टाइम की बात करें तो फिल्म 2 घंटे 17 मिनट और 5 सेकेंड होगा। वहीं फिल्म 14 अक्टूबर को रिलीज होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रेवती की अपकमिंग फिल्म ए जिंदगी को लेकर के, जिसे यू सर्टिफिकेट दिया गया है। वहीं इसका रन टाइम 1 घंटा 44 मिनट और 4 सेकेंड होगा। वहीं इसे भी 14 अक्टूबर को ही रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बीसीसीआई को लेकर के, और रिपोर्ट्स की माने तो सौरव गांगुली को बीसीसीआई प्रेसिडेंस पद से हटाया गया है और उनको मीटिंग में क्रिटिसाइज भी किया गया है क्योंकि उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं था। वहीं उनके जगह रोजर बिनी बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट होंगे। साथ ही राजीव शुक्ला ने वाइस प्रेसिडेंट, जय साज सेक्रेटरी और आशीष सेरा ट्रेजर पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किए हैं। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जहाँ पीसीबी ने कंफर्म किया है कि साइंस आफरीदी पाकिस्तान के वार्म अप मैच के लिए अवेलेबल होंगे, वो पूरी तरह से फिट हैं। वहीं मोहम्मद शमी की बात करें तो मोहम्मद शमी भी फिटनेस टेस्ट पास कर लिए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जल्द ही रवाना होंगे। अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन आना बाकी है। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है महिला जयवर्धने को लेकर के, जिन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका टीम के कंसल्टेंट कोच चुना गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वुमेन एशिया कप से, जहां सेमीफाइनल के लिए 4 टीमें क्वालिफाई की हैं, जिसमें से भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और पाकिस्तान होगा। वहीं दोनों सेमीफाइनल 13 अक्टूबर को ही खेला जाएगा, जिसमें से पहला मैच भारत और थाईलैंड के बीच होगा तो वहीं दूसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। वहीं फाइनल 15 अक्टूबर को होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जहाँ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच हुए T20 मैच को लेकर के, जहाँ न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 130 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज़्यादा इफ्तिकार अहमद ने 27 गेंद में 27 रन बनाए। वहीं न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो सऊदी को 2, सेंटेनर को 2, ब्रेसवेल को 2 और इस सऊदी को 1 विकेट मिला। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 16.1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की ओर से फिन एलन ने 42 गेंद में 62 रन बनाए, जिसमें 1 चौके और 6 छक्के शामिल थे। वहीं कॉनवे ने 46 गेंद में 49 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। वहीं पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करें तो शादाब खान को 1 विकेट मिला। वहीं सीरीज का अगला मैच न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच आज खेला जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जहाँ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। मैच आज दोपहर 1:40 पर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जहाँ तीसरे और आखिरी ODI मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका टीम को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 27.1 ओवर में 99 रन पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका की ओर से सबसे ज़्यादा हेनरी कलासन ने 42 गेंद में 34 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। वहीं भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर को 2, सिराज को 2, शहबाज अहमद को 2 और कुलदीप यादव को 4 विकेट मिला। वहीं लास्ट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 19.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 105 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से शुभमन गिल सबसे ज़्यादा 57 गेंद में 49 रन बनाए, जिसमें 8 चौके शामिल थे।
वहीं श्रेयस अय्यर ने अंत में छक्का लगाकर जीत दिलाई। उन्होंने अपनी पारी में 23 गेंद में 28 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करें तो लुंगी एनगिन को 1 और फॉर्च्यून को 1 विकेट मिला। वहीं इस जीत के साथ भारत 2-1 से सीरीज अपने नाम किया। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।